बीजेपी ने लगाया नवजोत सिंह सिद्धू पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप, राहुल गांधी से मांगा जवाब। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पाकिस्तान ने मेरे जरिए शांति का पैगाम भेजा है, हमें शांति के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। बीजेपी का सिद्धू पर पलटवार, पूछा क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है कि बातचीत भारत की वजह से बंद है। सिद्धू ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पन्ना पढ़कर दी सफाई, कहा मैं नेता बनकर नहीं बल्कि दोस्त की हैसियत से गया था पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा से गले मिलने को लेकर देश में निशाने पर हैं सिद्धू, मुजफ्फरपुर में देशद्रोह के दर्ज केस पर 24 तारीख को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस को कहा गद्दारों की टोली। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति गोहिल ने कहा अटल जी की अस्थि के बहाने वोट की राजनीति कर रही है बीजेपी। शक्ति सिंह गोहिल के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले ऐसे बयानों से बचना चाहिए। बिहार के आरा में महिला को बिना कपड़ों के घुमाने के विवाद में 15 लोग गिरफ्तार, जेडीयू का आरोप इसमें आरजेडी नेता का हाथ है। बिहार के आरा कांड के बहाने आरजेडी ने मांगा नीतीश से इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। यूपी विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने आज लखनऊ में बुलाई सर्वदलीय बैठक, गुरुवार से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार का बड़ा फैसला, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर उम्र कैद की सजा के प्रावधान के लिए संशोधनों को मंजूरी दी। अहमदाबाद में दर्जनों की संख्या में सीएम दफ्तर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हार्दिक पटेल को उपवास की अनुमति नहीं दिए जाने का विरोध। अटल जी की याद में आज पटना, भोपाल, जयपुर और अहमदाबाद में हुई सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा। 24 अगस्त को अटल जी के पैतृक गांव आगरा के बटेश्वर जाएंगे सीएम योगी। छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिला मुख्यालयों में लगेगी अटल जी की मूर्ति, रायपुर एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ होगा। 16 सितंबर को कन्नौज से साइकिल यात्रा शुरू करेंगे अखिलेश यादव। उज्जैन में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे युवक को पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धक्का दिया और फिर उसके साथियों ने पिटाई की। व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल ने दिल्ली में आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की, अफवाहों पर लगाम लगाने जैसे अहम मुद्दों पर बात हुई। अहमदाबाद में दर्जनों की संख्या में सीएम दफ्तर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हार्दिक पटेल को उपवास की अनुमति नहीं दिए जाने का विरोध। मराठा आरक्षण के लिए नया अल्टीमेटम, नवंबर तक इंतजार करेंगे, 1 दिसंबर से होगा आंदोलन। तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, बकरीद के मौके पर माहौल बिगाड़ने का था डर। केरल में बाढ़ राहत के लिए सीएम ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। महाराष्ट्र सरकार ने केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए डॉक्टरों की टीम भेजी, केरल सरकार ने दवाई और कपड़ों की मांग की है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।